दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो यूरोपीय भारत में आए थे यानी यूरोपियंस कम टू इंडिया, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और उसका क्या बेसिक इतिहास था, वो भारत में क्यों आए थे, उसका क्या उद्देश्य था, किन कारणों से भारत आए थे, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है। पहला चैप्टर यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है, भारत में आगमन, ये हमारा पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपियों का भारत में आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मैप के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के मैप की, तो ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, अगर कुछ तो हल्का फुल्का कुछ समझ में आ रहा होगा, ये और ये कुछ इस तरह से। ये देखो, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यूरोपीय भारत में कहाँ पे आए थे, ठीक है। तो यूरोपीय भारत में सबसे पहले यहाँ पर एक कालीकट बंदरगाह है, कालीकट में सबसे पहले आए थे, ये जगह कालीकट कहलाती है, कालीकट, ठीक है, यूरोपीय सबसे पहले कालीकट में आए थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रीजन है, ये वाला, ये भारत का रीजन डेकन प्लेटू कहलाता है, ये भारत का मैप है, ठीक है। भारत के मैप में, भारत के साउथ में ये इंडियन ओशियन पड़ जाता है, इंडियन ओशियन आ जाता है। इसके वेस्ट में ये आपका अरेबियन सी पड़ जाता है, अरेबियन सी, और इस साइड में यानी भारत के पूर्व में या ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा छोटा सा हल्का सा श्रीलंका है, ठीक है। और हम देखेंगे इस साइड में, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से द्वीप समूह है, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, इंडोनेशिया कहलाता है, ये इंडोनेशिया है, ये आपका मलेशिया है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया हो गया। तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, ये रीजन साउथ ईस्ट एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया कहलाता है। आप देख रहे हैं कि भारत के दक्षिण और पूर्व में जाने पर दक्षिण पूर्व एशिया आता है। तो इंडोनेशिया हो गया या मलेशिया हो गया, ये पूरा रीजन, जो पूरा द्वीप समूह है, ये पूरा मसालों का द्वीप प्राचीन काल में कहलाता था, मसालों का द्वीप या मसालों के द्वीप कहलाते थे। यहाँ पर मसाले बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते थे, इसलिए मसालों का द्वीप कहलाता था, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की, तो ये है यूरोप आपका, ये आपका यूरोप है। यूरोप में कई कंट्री हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ठीक है, बेल्जियम हो गया, और जर्मनी और पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, हंगरी हो गया, ये सारी कंट्री जो हैं, ये लगभग टोटल 13 या 14 कंट्री ऐसे कुछ हैं, तो जो भी हैं फिलहाल, जब मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब यूरोपियंस, ये यूरोप है, ये आपका यूरोप है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि Arriving of Europeans in India, यूरोपियों का भारत में आगमन। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि यूरोप कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूरोप है, ये आपका यूके पड़ जाता है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन पड़ जाता है ये आपका, ठीक है। ब्रिटेन मैं लिखे देता हूँ, ब्रिटेन यानी अंग्रेज यहीं से आए थे, ठीक है, अंग्रेज जो थे वो यहीं से आए थे। ये कंट्री जो पड़ता है, ये वाला कंट्री, ये आपका पुर्तगाल यानी पुर्तगाल पड़ जाता है, पुर्तगाल, ठीक है। और ये इसके इस साइड में स्पेन पड़ जाता है, ये वाला कंट्री जो है, इसको हम बोलते हैं स्पेन, हिंदी में भी स्पेन ही लिखा जाता है। इसके बाद में
यहां पर ये फ्रांस आ जाता है, फ्रांस आ जाता है यहां पर। उसके बाद में आप देखोगे ये वाला रीजन जो है ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये सारे कंट्रीज के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको जब पता होगी तभी आपको इतिहास अच्छे से समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं सिर्फ वही कंट्री पढ़ा रहा हूँ, वही कंट्री बता रहा हूँ जिनका मॉडर्न हिस्ट्री या यूरोपियों के भारत के आगमन में इनकी इंपॉर्टेंसी है। इसलिए ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यानी अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर एक छोटा सा ये मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसको हम उत्तमाशा भी कहते हैं, उत्तमाशा, ठीक है, हिंदी में उत्तमाशा, इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। आप कहोगे मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण है ये यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पढ़ जाता है ये वाला, ठीक है। ये मोजाम्बिक आ जाता है, ये आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, ठीक है। मैंने आपको बताया ये अरेबियन सी है, ठीक है, और इसके बाद में ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी कहलाता है, फारस की खाड़ी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, पर्शियन गल्फ, ठीक है। पूरा लिखना यहाँ पे बन नहीं पा रहा, इसलिए आप याद रखिएगा, इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं, क्योंकि ओमान कंट्री कहाँ पर है, ये ओमान कंट्री है। यहाँ पर कौन सा कंट्री है, यमन है, ये कौन सा है, सऊदी अरब है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे संयुक्त अरब अमीरात है, यहीं पर कहीं पर एक छोटा सा यहाँ पर दुबई भी है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात, तो ये टोटल ये जो ये कंट्री है, ये सारे कंट्री के लोग अरबिक लोग कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ईरान आ जाता है और इराक आ जाता है, फिर ये पड़ जाता है उसके आगे टर्की, ये टर्की है, ठीक है, ईरान इराक, ठीक है, और ये टर्की, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाने का कारण है, अभी आप समझ जाओगे क्या कारण है क्या नहीं है। ये आपका रेड सी कहलाता है, रेड सी यानी लाल सागर, ठीक है, रेड सी या लाल सागर, ये रीजन जो है आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर रेड सी दिख जाएगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ अदन कहलाती है, यानी अदन की खाड़ी, ये रीजन जो है ये वाला, ये मैं इससे थोड़ा मार्कर चेंज करके, ये जो रीजन है ये वाला, ये सब समुद्र है, आप ये सब सी है, ठीक है, गल्फ तो आप समझ ही रहे होंगे, तो ये सब सी है, ये भी क्या है, ये सब सी है, ठीक है। तो ये अरेबिक सी हो गया, ये मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ ओमान ओमान कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका मैप टोटल क्लियर हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया यानी मसालों का द्वीप कहलाता है, ये अरबिक कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी कंट्री हैं ये अरबिक कंट्री हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरिम है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये नीदरलैंड है, ये ब्रिटेन है। बेसिकली यूरोपियंस कौन कौन, सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए थे, सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद में कौन आए, डच आए, फिर कौन आए, अंग्रेज आए, फिर कौन आए, डेनिस आए, और फिर कौन आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है। पुर्तगाली इंडिया में कब आए थे, 1498 ईस्वी में, अभी मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। डच कब आए थे, ये आए थे 1505 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज 1608 ईस्वी में। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के मैप में वैसे तो कुछ यूरोपियंस थे सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे, हाँ एक चीज यहाँ पर मैंने बताना मैं भूल गया, यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है सुमात्रा, ये सुमात्रा
सुमात्रा, ठीक है, इसको हिंदी में भी सुमात्रा पढ़ा जाता है। तो ये सुमात्रा हो गया, यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डच सबसे पहले सुमात्रा में आए थे, यहाँ पर सुमात्रा में आए थे। तो खैर मैं इंडिया की रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। डेनिश कब आए थे? 1615 में आए थे। फ्रांसीसी कब आए थे? फ्रांसीसी ये आए थे अप्रोक्सीमेट 1668 में, या 64-68 के आसपास आए थे। 68 एग्जैक्ट है क्योंकि 68 में ही फ्रैंको कैरो नाम का एक पर्सन था जिसने, जो भारत आया हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक क्रम। इस पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला यूरोपी कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? ये ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं भारत में जो व्यापार होता था, यानी जो ट्रेड होती थी, वो हमारी यूनानियों के समय से होती थी, यानी जो प्राचीन काल से हमारे देश में व्यापार होता था यूरोपियों से। लेकिन मध्य काल में व्यापार यानी ट्रेड जो होता था वो तीन रास्तों से होता था। ट्रेड जो होता था वो तीन रास्तों से होता था। वो तीन रास्ते कौन कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो तीन रास्ते कौन कौन से थे। अब आप देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसकी थोड़ी जरूरत भी है मिटाने की। तो देखो, तीन रास्ते वो कौन कौन से थे। पहला रास्ता जो था वो रास्ता ये था, भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन से होते हुए, यानी उत्तर पश्चिम से होते हुए, दर्रों से होते हुए, यानी दर्रों से होते हुए कहाँ जाएगा? मध्य एशिया से माल जाता था रूस, ठीक है, और रूस से कहाँ जाता था? बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी भी बोला जाता है, ठीक है, बाल्टिक सागर, यहाँ पर सही लिखा नहीं है, बाल्टिक सागर से कहाँ? यूरोप माल पहुंच जाता था। तो पहला रास्ता कौन सा? ये मैंने क्लियर कर दिया, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से, यानी दर्रों से होते हुए मध्य एशिया से रूस से बाल्टिक सागर से यूरोप चला जाता था। दूसरा रास्ता देखना, दूसरा रास्ता जैसे यहाँ है, यहाँ से कोई सामान हमें यहाँ पहुँचाना है, तो दूसरा रास्ता ये समुद्र यानी अरबिक सी होते हुए, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन सी, यहाँ से आगे पहुँच जाए, या फिर यहीं पर ये माल कट होकर कहाँ चला जाए? ईरान, इराक और टर्की होते हुए कहाँ पहुँच जाए? यूरोप पहुँच जाए, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता। पहला रास्ता स्थल मार्ग वाला रास्ता था, स्थल मार्ग क्योंकि यहाँ पे टोटल लैंड है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। और दूसरा रास्ता जो था उस रास्ते को हम लोग कहते थे फारस की खाड़ी। ये दूसरा रास्ता था, ठीक है, फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान होते हुए ये इंडिया। अब मैं इंडिया की थोड़ी लोकेशन आपको बता देता हूँ। जो इंडिया जो है ये वाला वेस्टर्न घाट कहलाता है, ये वाला रीजन वेस्टर्न घाट में जो प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कि कोचीन हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, बम्बई हो गया, सूरत हो गया और भरूच हो गया, ये सारे बंदरगाह इसी वेस्टर्न घाट पे ही पड़ते हैं। तो यहाँ से यहीं से ही सामान जाएगा ना, कोई माल जाएगा अगर यूरोप के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है पूरे भारत से या फिर मसालों के द्वीप से मसाले अगर इंडिया में आते हैं, और इंडिया से कहाँ से? इस वाले वेस्टर्न घाट से कहाँ इधर जाएंगे? एक तो ये रास्ता, दूसरा रास्ता मैंने आपको बता दिया। तीसरा रास्ता देखो आप कौन सा है, ये वाला रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है? अरबिक सी होते हुए, ठीक है, अरबिक सी से गल्फ ऑफ अदन और अदन से होते हुए रेड सी, ठीक है। तो तीसरा रास्ता जो कहलाता था वो लाल सागर वाला रास्ता कहलाता था। और यहाँ पर आप देखिए इजिप्ट है, ये इजिप्ट यानी मिस्र है, और मिस्र से होते हुए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जी मैंने बताना भूल गया, ये जो है भूमध्य सागर, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, मेडिटेरियन
मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये रीजन जो है ये वाला मेडिटेरियन सी, यानी ये समुद्र है यहाँ पर, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी होते हुए कहाँ पहुंच जाता था, इटली, इटली, इटली पहुंच जाता था, और इटली से फिर पूरे यूरोप में पहुंच जाता था माल। तो मैंने तीसरा रास्ता आपको बताया कौन सा, अरबिक सी, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, फिर इजिप्ट, और इजिप्ट से कहां, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से माल कहां पहुंचा, इटली पहुंचा, और इटली से पूरे यूरोप में चला जाता था। तो ये तीन रास्ते हो गए। अब क्वेश्चन इस पे बनता है, इन रास्तों पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्यकाल में भारत से यूरोप जो व्यापार होता था उनमें से सबसे प्रचलित रास्ता कौन सा था। सबसे प्रचलित रास्ता फारस की खाड़ी वाला रास्ता था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे यही था, यानी पर्शियन गल्फ से जो भी ट्रेड होती थी। रीजन क्या था, रीजन इसका मैं बताता हूँ। एक तो आपने देखा कि जो लैंड, लैंड वे है यानी स्थल मार्ग है, वो कई दर्रों से और पहाड़ों से होते हुए मध्य एशिया, रूस, बाल्टिक सागर, ये काफी, ये डिस्टेंस भी काफी हो जाती है, और यहाँ पे प्रॉब्लम भी बहुत होती थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय यानी इस मतलब इस हाईटेक जमाने में भी अगर हमें पहाड़ों को बिना किसी हेल्प के पास कर, मतलब क्रॉस करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल था, हालांकि इस रास्ते से भी व्यापार होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन कम प्रचलित रास्ता था। अब लाल सागर वाले रास्ते की मैं बात करता हूँ, कारण क्या, देखो रेड सी, रेड सी कहाँ पर, ये वाला रास्ता रेड सी वाला रास्ता है। तो लाल सागर रास्ते पे जैसे ही शिप यहाँ पर एंटर करते थे तो यहाँ पर ये वाला रीजन जो है यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, कोहरा भी रहता है, और इवन सर्दियों यानी कोल्ड के टाइम पे तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है कोहरे की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सुमात्रा, सुमात्रा या फिर ये जो भी है, फिलहाल यहाँ पर समुद्री लुटेरे बहुत होते थे, जिसकी वजह से ये रास्ता सेफ नहीं था। हालांकि इस रास्ते से व्यापार होता था, ऐसा नहीं है, पुर्तगीज इसी रास्ते से व्यापार करेंगे, आप देखना अभी मैं बताऊंगा। तो तीसरा रास्ता भी सही नहीं था, सबसे ज्यादा प्रचलित रास्ता फारस की खाड़ी वाला रास्ता था, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तो तीन रास्ते थे जिसे व्यापार होता था, लेकिन यूरोपी जब व्यापार यूरोप, यूरोप में माल पहुंचता था तो फिर इनको इंडिया आने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया। तो इसके कारण है, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, ये देखो कारण क्या था, समझना जरा। देखो अगर मैं बात करूं एशिया का जो ट्रेड होती थी, एशिया का व्यापार, एशिया में क्या, पूरा ये यहां से लेकर ये पूरा रीजन एशिया का आता है, पूरा रीजन, जैसे कि इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या है चाइना है, चाइना के ऊपर क्या है रूस है, तो ये सब इंडिया का पार्ट है, सॉरी एशिया का पार्ट है। तो जो व्यापार प्राचीन काल में होता था उस व्यापार को दो तरह के लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है, दो तरह के लोग कंट्रोल करते थे। जैसे कि एशिया का व्यापार जो था, एशिया का व्यापार, ठीक है, एशिया का जो ट्रेड होती थी, एशिया का जो व्यापार होता था उस पर किसका कब्जा था, अरबों का कब्जा था, अरबों का। अब आप समझोगे अरब कौन है, इस कंट्री के जितने भी लोग हैं ना ये सब अरबी कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इस रास्ते से जो व्यापार होगा ऑब्वियस सी बात इन लोगों का इस पर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो एशिया के व्यापार पे अरबों का कब्जा था, ठीक है। और जरा ध्यान देना, यूरोप में, यूरोप यानी यूरोप में जो व्यापार होता था, ठीक है, उस पर किसका कब्जा था, इतावली व्यापारियों का, इसको इंग्लिश में भी इतावली पढ़ा जाता है, इतावली, इतावली ट्रेडर्स का। इतावली ट्रेडर्स कौन है, इतावली ट्रेडर्स इटली के निवासी थे, इनको इतावली ट्रेडर्स बोला जाता था, इटली यानी वेनिस जिनेवा के जो निवासी थे उनको इतावली ट्रेडर्स बोला जाता था। तो जैसे यहाँ से माल गया या यहाँ से माल गया तो भूमध्य सागर में जाएगा ना, जैसे यहाँ से माल गया तो कहाँ, भूमध्य सागर में जाएगा। अब भूमध्य सागर में सबसे पहले आप एंट्री अगर यूरोप में करना चाहते हो तो कहाँ एंट्री करोगे, यहाँ से इटली में एंट्री करोगे ना, ठीक है। तो इटली के व्यापारी यानी इतावली व्यापारियों का यूरोपीय व्यापार पर कब्जा था, और एशिया के व्यापार पर अरबों का कब्जा था, ठीक। तो कोई नहीं, जो भी है फिलहाल यहाँ तक माल तो अभी पहुंच रहा था, यूरोप में माल तो पहुंच रहा था, जैसे भारत से मसाले, ठीक है, सूती कपड़े, ठीक है, नील हो गया, नमक हो गया,
ये सारी चीजें यहाँ पे पहुंचाई, जड़ी बूटी हो गई, ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंचाई जाती थी। जैसे मसालों की मांग जो थी यूरोप में सबसे ज्यादा थी, मसालों की मांग जो थी वो यूरोप में सबसे ज्यादा थी। कारण ये था क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो मसाले डालकर मांस खाना पसंद करते थे, तो वहाँ पे तो कोल्ड भी बहुत ज्यादा रहती, दूसरी बात वहाँ पे फर्टिलिटी है नहीं, कोई फर्टाइल लैंड है नहीं यूरोप में ज्यादातर कंट्रीज में, तो क्या होता था मांस पे ही जिंदा रहते थे। तो खैर ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में देखो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से ये यूरोपी इंडिया में आने के लिए मजबूर हुए। वो घटनाएं क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी घटनाओं को यानी जितनी भी घटनाएं थी उनके बारे में आराम से मैं बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। वो घटनाएं क्या थी जरा समझिएगा, ठीक है। देखो पहली घटना क्या थी, सन 1453 ईस्वी यानी 1453 एडी या ईस्वी में क्या हुआ था। देखो तुर्की के इस वाले हिस्से पर एक शहर है, उस शहर का नाम है इस्तांबुल, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल पढ़ा जाता है। इसको हिंदी में, इसको हिंदी में हम लोग पुश्तुन दुनिया भी कहते हैं, पुश्तुन दुनिया, दुनिया। जरा थोड़ा मैथ में मैं आपको बता दूं, देखो जो पुश्तुन दुनिया था 1453 से पहले, ठीक है, इस पर यहाँ पर रोमन अंपायर का कब्जा था, रोमन जो अंपायर था उसका कब्जा था, ठीक है। लेकिन 1453 में क्या हुआ, 1453 में इस कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया। किस पर, कुस्तुन दुनिया पर, कुस्तुन दुनिया, कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया, यानी इस्तांबुल पर किसने कब्जा कर लिया, तुर्कों ने कब्जा कर लिया। आप जरा समझिए, इसी समय विश्व में या फिर यूरोप में पुनर्जागरण काल भी आ चुका था, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल का मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये पूरा एक इरा आता है, 15th सेंचुरी जो है पुनर्जागरण काल की स्टार्टिंग मानी जाती है। कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों के कब्जा होने से जो ये वाला रास्ता है आप लोग देख रहे हैं, ये वाला रास्ता सबसे ज्यादा प्रचलित रास्ता, इस रास्ते पर किसका कब्जा हो गया, तुर्कों का कब्जा हो गया, ठीक है, तुर्कों का कब्जा हो गया। और तुर्कों ने क्या किया, यूरोप में जो भी सामान जाता था, जो भी माल जाता था वो अपने साम्राज्य से ले जाने से मना कर दिया, ठीक, क्योंकि पुश्तुन दुनिया ही मेन था ना, उसी पर उनका कब्जा हो गया। तो अपने साम्राज्य से पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच जो व्यापार होता था वो अपने साम्राज्य से उस व्यापार को करने से उन्होंने मना कर दिया, अपने यहाँ से सामान ले जाने से मना कर दिया। जब यहाँ से सामान यूरोप नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या, यूरोप में उस सामान की किल्लत हो जाएगी, यानी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। डिमांड बढ़ जाती है तो आप लोगों को पता होगा कि उसके प्राइस बढ़ जाती हैं, और यूरोप में कुछ ऐसा ही हुआ था। तुर्की का यानी तुर्किस का इस्तांबुल शहर पे कब्जा होने से ट्रेड बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हो गया। अब यूरोपी की डिमांड क्या थी, ज्यादा ज्यादा माल जो इंडिया या फिर इंडोनेशिया से आ रहा था वो मिले उनको, माल मिल नहीं रहा था उनको, माल का मतलब जो भी व्यापारी सामान थी, तो जिसकी वजह से वो क्या किए, नए रास्तों की खोज में जुट गए, यूरोपीय नए रास्तों की खोज में जुट गए। अब उसी समय जरा ध्यान दीजिएगा, उसी समय एक इन्वेंशन हुआ था। देखो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण की वजह से यूरोप के जो कुछ कंट्री थे वहां पर क्या औद्योग या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हल्का का स्टार्ट हो चुका था। इस उद्योग की वजह से क्या हुआ, नई ज्योग्राफिकल रिसर्चेस हुई, नई भौगोलिक खोजें हुई। वो भौगोलिक खोजें क्या थी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक आविष्कार हुआ था उस समय, उसको हम लोग कहते हैं कुस्तुन दुनिया, कुस्तुन दुनिया, कुस्तुन
तुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया, नहीं नहीं सॉरी कुस्तुनतुनिया नहीं, कुतुबनुमा, सॉरी 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 कुतुबनुमा नाम, कुतुबनुमा, कुतुबनुमा ये नाम से कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कुस्तुनतुनिया कुतुबनुमा दोनों एक जैसे नाम है। तो कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था। ये था क्या, ये डायरेक्शन डिटेक्टर इक्विपमेंट था, यानी दिशा सूचक यंत्र था। अब ये समुद्र में कहीं पर भी दिशाएं बता सकता था। तो इसके आविष्कार से क्या हुआ, नेवी को यानी जहाज रानी, जहाज रानी यानी जहाज रानी में इंप्रूवमेंट हुआ, यानी जहाज रानी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कार्गोशिप, कार्गोशिप, कार्गोशिप या शिपिंग कह सकते हो, ठीक है, या नेविगेशन कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ जहाज रानी में, और नौ परिवहन में भी इंप्रूवमेंट हो गया। और एक तो ये कारण हो गया, एक पुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से यूरोपी नई खोजों में जुट गए और वो भारत आने के लिए मजबूर थे। अब वहां पर कुछ कंट्री जैसे कि ये मैं मिटा रहा हूं, पुनर्जागरण आपने देखा है, पुनर्जागरण कारण था, एक कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा था और कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था, लेवलशिप में इम्प्रूवमेंट हो चुका था। तो उस समय इन भौगोलिक खोजों के लिए वहां पर दो, जैसे आप देख रहे हैं ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है, ठीक है, ये दो राष्ट्र पुर्तगाल, पुर्तगाल और स्पेन, ये दो राष्ट्र उभर रहे थे भौगोलिक खोजों के लिए, ठीक है। इवन पुर्तगाल का जो राजा था उसका नाम प्रिंस हेनरी था, हेनरी था उस समय, जिस इस दौर की जो मैं बात कर रहा हूं, प्रिंस हेनरी ने एक टाइटल गेन किया था, उसे कहते थे द नेविगेटर, 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 ठीक है। इस प्रिंस हेनरी का ना पूरा नाम ही क्या था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसका पूरा नाम था, नाम से समझ में आता है कि ये क्या है, नेवी का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, इसलिए इसने टाइटल भी ग्रहण किया, यानी उपाधि ग्रहण की नेविगेटर की, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इसके कॉन्टिन्यूस प्रयासों की बदौलत क्या हुआ, सन 1487 में एक बार्थोलोमो डियाज, बार्थो, बार्थो लो म्यू डियाज, बार्थोलोमो डियाज, इसको हिंदी में बार्थोलोमो डियाज, बार्थो लोमो डियाज, डियाज, बार्थोलोमो डियाज ने क्या किया, उत्तमाशा अंतरयुग की खोज की थी। इसने किसकी खोज की थी, उत्तमाशा, वही देखो जो मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर ये उत्तमाशा है, ठीक है। देखो रहने वाला कहाँ का, यहाँ है, तो ये बेचारा किसी तरह से चक्कर काटते हुए यहाँ पर इस जगह पर रुक गया। उत्तमाशा अंतरयुग की इसने खोज की थी, बार्थोलोमो डियाज। ये कहाँ का निवासी था, ये पुर्तगाल का निवासी था, ये पुर्तगाल का निवासी था बार्थोलोमो डियाज, ठीक है। इसने 1487 में क्या किया था, उत्तमाशा अंतरयुग, उत्तमाशा, माशा अंतरयुग की खोज की थी। इसको तूफानी अंतरयुग, तूफानी द्वीप भी बोला जाता है, तूफानी द्वीप बोलने का कारण ये रहा होगा, हो सकता है यहाँ से तूफान बहुत आते हैं और ये कुछ लोकेशन भी कुछ इस तरह की है, ठीक है, बिल्कुल समुद्र के तीनों तरफ से, ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो उत्तमाशा अंतरयुग यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोमो डियाज ने की थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब एक स्पेन का निवासी था, ये है यहाँ पर स्पेन, ठीक, 1494 में स्पेन का निवासी, उसका नाम था, आप लोग सभी जानते होंगे, कोलंबस, इंग्लिश में कोलंबस ही लिखा जाता है, कोलंबस। ये बेचारा इंडिया की खोज में पहुंचते पहुंचते इधर से चला, ठीक है, और हो सकता है इसका डायरेक्शन डिटेक्टर सही ना रहा हो, वो इसको आना इस तरह से चाहिए था, वो चला गया बिल्कुल इसके एंट्री इस साइड में चला गया। अब इस साइड में जब जाने का मतलब ये कहां पहुंच गया, अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की,
कोलंबस ने की। अमेरिका पहुंचने पर वहां के छोटे छोटे आइलैंड पे ये पहुंचता है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद में क्या होता है, उन आइलैंड को ये नाम दे देता है वेस्ट इंडीज, यही इंडिया है भाई, ठीक है। अमेरिका को उसने इंडिया नाम दिया, लेकिन फाइनली अमेरिका अमेरिका है जो भी है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यानी भारत की खोज में निकला था, वो अमेरिका पहुंच गया और वहां पर रहने वाले लोगों को उसने रेड इंडियन, जो ट्राइब्स वहां रहती थी अमेरिका में, उसको रेड इंडियन नाम दिया। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली नाविक, एक और, एक 17 मई, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1498, ठीक, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। देखो यहां तक तो पुर्तगाली आ चुके थे, फिर वास्को डी गामा इसी रास्ते से आया, इस रास्ते से, ठीक, कुछ रेस्ट करते हुए यहाँ रेस्ट की। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गुजराती पत्रकार, हालांकि मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट ना किया हो तो आप पीछे वीडियो करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, ये इसको बटा मिटाना पेश करना नहीं मजबूरी है, तो आप देखिएगा। तो ये यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पर स्टे करता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गुजराती गुजराती ट्रेडर, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से। किससे? अब्दुल मजीद से, मजीद, ठीक, अब्दुल मजीद से इसकी मुलाकात होती है। अब्दुल मजीद कहता है, मैं तो इंडिया का हूँ भाई, मैं तो इंडिया का हूँ और मैं तुम्हें ले चलूंगा इंडिया। अभी इंडिया जाने के लिए वो तत्पर था वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ में। कौन? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये दोनों साथ में यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर ये लोग इंडिया पहुंच गए, ठीक। तो ये तो इंडिया, इंडिया में सबसे पहले ये 17 मई 1498 को पहुंचता है और कालीकट में पहुंचता है। ये जगह को कालीकट बोला जाता है, कालीकट, कालीकट प्रेजेंट टाइम में केरल में पड़ता है और वेस्टर्न घाट का ये एक हिस्सा है कालीकट, ठीक है। कालीकट का एक दूसरा नाम कोझिकोड भी है, कोझिकोड, कोड, इसको कोझिकोड भी बोला जाता है प्रेजेंट टाइम में, कहीं कहीं बुक में कोझिकोड भी लिखा होता है। वहां पर जब ये पहुंचता है तो वहां का कालीकट का जो राजा होता है उसका नाम जमोरियन होता है, जमोरियन, जमोरियन, ठीक है। कालीकट का जो राजा होता है वो जमोरियन होता है, जमोरियन का एक टाइटल होता है एक्चुअल में, ये टाइटल इसको हेडेज जिला यानी पैतृक टाइटल मिला हुआ होता है। इसका एग्जैक्ट नाम नहीं, कोई बुक में नहीं दिया हुआ है, किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ, जमोरियन ही से बोलते थे। जमोरियन वास्को डी गामा का वेलकम करता है और जब वास्को डी गामा वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ और भी ट्रेडर्स होते थे, जैसे अरबिक ट्रेडर्स होते थे, उनको पता चलता है, वो इससे क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। खैर क्या करना, जब वास्को डी गामा जमोरियन से मिलता है, जमोरियन इसको अपने यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दे देता है। जब वो वापस इसी रास्ते से कहाँ पहुंचता है, पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, लिस्बन में जब वो लिस्बन में वापस पहुंचता है तो उसके की आगे कहानी सुनिएगा। लिस्बन में उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, 60 गुना, 60 times प्रॉफिट गेन बाय द वास्को डी गामा एट दैट टाइम, ठीक है। तो वास्को डी गामा को यहाँ पर 60 times प्रॉफिट होता है, 60 गुना। जब ये पूरी बात, ये पूरी न्यूज पूरे यूरोप में फैलती है तो यूरोप में व्यापार करने के लिए या भारत या फिर दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए जो देश पहले व्यापार नहीं भी करते थे वो भी व्यापार करने के लिए ललायित हो जाते हैं, यानी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उनमें से मैंने पहले आपको बता दिया कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांसीसी, ये और ये सब व्यापार से मतलब बहिष्कृत थे। यहाँ इंडिया से जो व्यापार होता था उससे बहिष्कृत थे। कारण क्या था? यहाँ पर अरबों का कब्जा, यहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो गया, यहाँ पर इतावली व्यापारियों का कब्जा हो गया, तो फिर यहाँ तक व्यापार करने का कोई नहीं, और रास्ते यही थे, नए रास्ते थे नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हकीकत ये नहीं है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत तो बहुत पहले से, मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन काल से भारत में व्यापार होता था, लेकिन भारत
की खोज नहीं की भारत में एक नया रास्ता ढूंढा था, लेकिन आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो आप उसी तरह रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर टिक लगा देना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कब की थी, 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। इस तरह के क्वेश्चन जो घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं वो आप याद कर लेना। खैर मैंने आपको बताया वास्को डी गामा जब पुर्तगाल पहुंचा तो वहां पर उसको 60 गुना प्रॉफिट होता है, पूरी बात यूरोप में फैलती, यूरोप के सारे कंट्री भारत में आने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यूरोपी किस तरह से इंडिया में या यहाँ पर आए। अभी यूरोपी कौन कौन आए, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए, फिर कौन आए, फिर अंग्रेज आए, फिर कौन आए, डेन आए, फिर कौन, फ्रांसीसी आए। तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगीज आते हैं। तो मैं आपको पुर्तगालियों का भारत में इतिहास शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं या फिर इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा इसको चीजें और मैं बता देता हूँ। इसमें देखो जो व्यापार होता था मध्यकाल से भारत में उसको कौन कंट्रोल करता था, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, भारत में उसको कौन कंट्रोल करता था। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा ये पूरा ईस्टर्न घाट कहलाता है, यानी पूर्वी घाट कहलाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ईस्टर्न घाट को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये उत्कल तट है और ये कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट है और ये उत्कल तट है, ये रीजन बंगाल का रीजन है। तो भारत से जो भी इंडोनेशिया से व्यापार होगा वो इस वाले रीजन में सारा सामान लाया जाएगा। ठीक है, तो बंगाल हो गया या पूर्वी घाट हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बंगाल हो गया या पूर्वी घाट हो गया, इस पूरे व्यापार को एक समुदाय कंट्रोल करता था, उस समुदाय का नाम था चोलिया समुदाय, बड़ा अजीब नाम है। ठीक है, चोलिया समुदाय या चेटियार समुदाय बोलते हैं, चेटियार समुदाय। ये समुदाय भारत के इस साइड में जो व्यापार होता था उसको कंट्रोल करता था। ये इस पे क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है कि उस समय व्यापार को कौन कंट्रोल करता था, तो ये था। ठीक है, भारत में इस तरह से तीन रास्ते थे, मैंने आपको बता दिया प्राचीन काल से ही, और वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आए, क्योंकि यहाँ पर माल मिल नहीं पा रहा था तो वो नए रास्तों की खोज में आ गए। नए रास्ते खोजते खोजते क्या हुआ कि कई मेंशन हुए जिसकी वजह से, जैसे कुतुब नुमा का आविष्कार हो गया जिसकी वजह से वो समुद्र होते हुए कहीं कहीं भारत आ गए। जो भारत आ गए तो भारत से तो इंडोनेशिया, यहाँ तो चप्पा चप्पा यहाँ का हर कोई जानता था, इंडोनेशिया मसालों का द्वीप है, मसालों का द्वीप में यानी इंडोनेशिया भी वो लोग पहुंच गए। ठीक है, इस तरह से श्रीलंका ये पूरा रीजन दक्षिण पूर्व एशिया का कहलाता है और यही था। तो आपने देखा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मिक्सअप मैंने इसमें किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, पुर्तगाली होगा या डच होगा या अंग्रेज होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब इस वीडियो में शायद इतना स्पेस नहीं होगा और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।